Now, koi vyapar chin, comma, jo usi ya samroop mal ya sevaon ya usi vivaran ke mal ya usi vivaran ki sevaon ki bavat aise anek vyapar chinhon ka swatdhari hone ka dava karta hai, comma, aur vah un vyapar chinhon ko register karana chahta hai. Aisa swatdhari jin vyapar chinhon ka swatdhari hone ka dava karta hai, comma, ve apni tatvik visishtiyon mein ek dusre ke sadras hote hue bhi nimnlikhit ke vare mein bhinn hain. Next para, jis maal ya seva ke vare mein kramsah upyog kiye jate hain ya jinka upyog prastavit hai, comma, unke kathan ke vare mein, comma, ya sankhya, comma, kimat, comma, quality ya sthano ke namo ke kathan ke vare mein, comma, anya vaton ke vare mein jo suvhinn prakriti ki nahi hai, comma, aur jo us vyapar chinh ki pehchan ko sartah prabhavit nahi karti hain, comma, ya rang ke vare mein, full stop. Next para, sahyukt vyapar chinhon ke roop mein vyapar chinhon ka registration yah dhara sahyukt vyapar chinhon ke roop mein vyapar chinhon ke registration ke vare mein nimnlikhit upbandh karti hai. Next para, jahan koi vyapar chinh jo kisi maal ya seva ki bavat registry karan hai ya registry krat ke liye aavedan ka vishay hai usi swatdhari ke naam usi maal ya usi vivaran ke maal ya usi seva ya usi vivaran ki seva ki vavat registry krat hai ya registry karan ke liye aavedan ka vishay hai kisi anna vyapar chinh ke tadanurup hai ya itna nikat raha sadras hai ki yadi swatdhari ke atirikt, comma, koi vyakti uska upyog kare to dhokha ya bhram hone ki sambhavyata hai, comma, vahan registrar kisi bhi samay, comma, yah apeksha kar sakega ki
वे व्यापार चिन्ह रजिस्टर में संयुक्त व्यापार चिन्ह के रूप में प्रविष्ट किए जाएंगे, लिस्ट ऑफ नेक्स्ट पैरा, जहां व्यापार चिन्ह की कॉमा जो रजिस्टर किए जाते हैं कॉमा पहचान है कॉमा या वे उनके निकट सदृश हैं अथवा उसी स्वत्वधारी के नाम में रजिस्ट्रीकरण के आवेदनों को ऐसे माल और ऐसी सेवाओं के बारे में विषय वस्तु है जो उस माल या उस विवरण के माल और उन सेवाओं या उस विवरण की सेवाओं से सहयुक्त हैं वहां उपधारा एक उसी प्रकार लागू होगी जिस प्रकार वह वहां लागू होती जहां उन चिन्हों की कॉमा जो रजिस्टर किए गए हैं कॉमा पहचान है या वे उनसे निकट सदृश हैं या वे उसी माल या वर्णन के माल या उन्हीं सेवाओं या वर्णन की सेवाओं के बारे में उसी स्वत्वधारी के नाम से रजिस्ट्रीकरण के आवेदनों की विषय वस्तु हैं, फुल स्टॉप नेक्स्ट पैरा, जहां धारा 15 की उपधारा 1 के उपबंधों के अनुसार कॉमा कोई व्यापार चिन्ह और उसका भाग उसी स्वत्वधारी के नाम में पृथक व्यापार चिन्ह के रूप में रजिस्ट्रीकृत है वहां वह संयुक्त व्यापार चिन्ह समझे जाएंगे और उसी रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाएंगे, फुल स्टॉप नेक्स्ट पैरा, धारा 15 की उपधारा 3 के उपबंधों के अनुसार कॉमा एक रजिस्ट्रीकरण में आवली के रूप में रजिस्ट्रीकृत सभी व्यापार चिन्ह सहयुक्त चिन्ह समझे जाएंगे और उसी रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाएंगे, फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट, सहयुक्त व्यापार चिन्हों के रूप में रजिस्ट्रीकृत दो या दो से अधिक व्यापार चिन्हों के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा बेहतर रीति में आवेदन करने पर यदि रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि यदि वह व्यापार चिन्ह उस माल या उन सेवाओं या दोनों में से किसी के संबंध में कॉमा जिसकी बात यह रजिस्ट्रीकृत है कॉमा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाए तो धोखा या भ्रम होने की संभाव्यता नहीं है कॉमा तो वह उनमें से किसी की बावत संयोजन समाप्त कर सकेगा
और तदनुसार रजिस्टर संशोधित कर सकेगा। फुल स्टॉप। इस प्रकार धारा 16 उन परिस्थितियों का उल्लेख करती है जब सहयुक्त व्यापार चिन्हों के रूप में व्यापार चिन्हों को। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो इसे शेयर, कमेंट और लाइक आप ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी न्यू नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहेंगी।